अंदर नहीं बोल दे कोई नहीं। और अभी हम जा रहे थे एकदम से विक्की के ऊपर हाथ आया और कह रहे चलो भाई शर्ट देखते हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक अगेन विद माय न्यू वीडियो। सो गाइस कैसे आप सभी लोग हैं, बहुत ही वेलकम होपफुली आप सब भी अच्छे होंगे। सो गाइस अभी का प्लान ऐसा है कि हम जा रहे हैं पालिका बाजार जो कि सीपी में, और मैं समित यहाँ से जा रहे हैं, वहाँ पे हमें विक्की मिलेगा। सो विक्की भी जा रहा है हमारे साथ। सो चलते हैं वहाँ पे, विक्की और समित को जैकेट वगैरह लेनी है। सो देखते हैं, हम तो नहीं लेंगे तो उनके दोनों के साथ ही जा रहा हूँ मैं। सो चलते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ का मार्केट क्या सीन है वहाँ का। और आज 31st है सो भीड़ ना हो, वैसे इवनिंग के टाइम में भीड़ ज़्यादा होगी सीपी में, अभी भीड़ कम ही होगी। सो निकलते हैं, अभी लेते हैं अपनी बाइक और निकलते हैं, लेट्स गो। पहुंच चुके हैं मयूर विहार फेस 1 मेट्रो स्टेशन और अभी वेट कर रहे हैं विक्की का। अभी वेट कर रहे हैं विक्की का, विक्की आता है फिर निकलते हैं। विक्की को यहीं बुलाया सीधा, उससे घर वर जाते तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता, तो हर बार की तरह वो लेट लगवा रहा है इस बार भी। तो देखते हैं कब तक आता है, अभी टाइम हो रहा है 1:50, देखते हैं कब तक आता है फिर निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस अब जाके विक्की आया, इतना वेट करवाने का, कितना वेट करना पड़ा भाई हमें? कम से कम आधा घंटा, आधा घंटा से ज्यादा, आधे घंटे से ज्यादा हो गए इसे। अब आ रहे चंपू। सो गाइस अब चलते हैं, अब उतर मत, सीधा चल, चलना है डायरेक्ट। दिक्कत हो गया गाड़ी, क्या दिक्कत हो गई तो और देखते हैं क्या देखते हैं। फाइनली वी रीच अवर डेस्टिनेशन, तो हम पालिका गेट नंबर 7 में पहुंच चुके हैं। अब चलते हैं अंदर, और बाइक हमने NDMC की पार्किंग में लगा दी है। और ये भाई टैटू बनवाना हो 7 नंबर पे मिलना मेरे पास, ठीक है भाई? ये भाई नाम बता दो अपना। मेरा नाम जतिन है। तो भाई जतिन भाई से कॉन्टेक्ट कर सकता है, गेट नंबर 7 के पास मिल जाएंगे आपको। और हम चलते हैं अंदर, वीडियो बंद कर दिए। तो गाइस अंकल ने कहते हैं वीडियो बंद करने के लिए, तो वीडियो बंद करता हूं। कुछ अंदर नहीं बोल दे कोई नहीं, इतना प्लानिंग क्यों कर रहा है? सो गाइस ये प्लानिंग कर रहा है कि एकदम से दुकान में, मतलब एक ही दुकान में ले लेना। और अभी हम जा रहे थे एकदम से विक्की के ऊपर हाथ आया और कह रहे चलो भाई शर्ट देखते। सो भाई पालिका में ये सब कॉमन चीज है, तो देखते हम क्या लेने वाले आज हम, नहीं मतलब ये दोनों लेने वाले, डेनिम लेदर जैकेट इधर। कौन सी में? घंटा हो गया घूमते घूमते, कुछ पता नहीं सबित को क्या, सबित को क्या है कंफ्यूज है क्या ले, मैं तो बॉम्बर पहन के आ रहा हूँ। सो भाई सबित ने एक जैकेट ले लिया। तो गाइस शॉपिंग वगैरह हो गई है, एक ये जैकेट लिया है सबित ने, बाकी विक्की ने कुछ लिया नहीं, विक्की को कुछ पसंद ही नहीं आया, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। सो मैं तो पहले से बोल के आया था कि मैं कुछ लूँगा नहीं, मैं भी तो बोल के आया था। सो अभी प्लान बन रहा है कि और कहीं घूमने चलते हैं, बंगला साइड साइड पढ़ाई। इन लोगों को रोड क्रॉस भी नहीं करना आता, अभी रेड लाइट हो रखी थी तो बीच रोड पे आ गए थे, अभी उस साइड से फंस गए हैं, तो अभी रेड लाइट रुकेगी तब आ पाएंगे ये। तो वैसे बुरी तरीके से फंस चुके हैं, अब जब तक रेड लाइट नहीं खुलेगी दोबारा फिर नहीं आ पाएंगे। बाकी मैंने कहा था गुरुद्वारा चलने के लिए, तो कह रहे कि नहीं वापस घर ही चलते अब। सो घर ही जाएंगे अब सीधा। तो गाइस इसकी हरकतें देखो, इसने ट्रैफिक पुलिस को देखते के साथ ही हेलमेट लगा। बेटा अभी पकड़ लेते ना, हाँ भाई बहुत होशियारी चल रही है, पाँच बज चुके हैं, हम घर पहुंच गए और विक्की भी हमारे साथ हमारे घर आ चुका है, क्योंकि आज 31st की पार्टी है पूरी रात। चाय पिएगा? बना ले दो कप, एक कप। बिस्कुट खाएगा? तुम मेरे घर में आओ कि मैं तुम्हारे घर में आ रहा हूँ। नहीं बना ले तू, बहुत मज़ा, विक्की बहुत अच्छी चाय बनाता है, सो विक्की चाय बनाएगा, बना ले जा। बिस्कुट खाएगा? मास्टर है मास्टर। बिस्कुट खाएगा? मैं तो मास्टर बनाऊंगा, चाय और बिस्कुट खा लूंगा।
अरे नया बंदा बनाएगा तो चाय चल जाएगी ना। जिसको आता है वही बनाएगा। विक्की बनाएगा तो। इसमें क्या है? सूखा पाले जी नहीं खा पाया सुबह, चाय बिस्किट आ चुका है। सबित के लिए चाय नहीं होती यार। गाइस हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है, ऐसे ही लेट आता, लेट करते, लेट कुछ नहीं आता, ये लोग प्लान करके रखते हैं, ये मेरे को नोबिता समझते हैं। इसको गरम पानी दे दे। और ये सुनियो, ये जियान तो लगता है ये साला। नोबिता कह रही हो भाई, मैं देखी सोनी नहीं तो जियान है भाई, मैं देखी सोनी पढ़ने मेरा बहुत अच्छा हूं। एंड में आके हमेशा नोबिता बना देते हो। सो गाइस ये बेचारा ऐसी बिस्किट खा रहा है। नहीं यू आई यू एक्स है वो, उसमें एक छोटा सा पार्ट है वेब डिजाइनिंग का। छोड़ते नहीं है तो कोचिंग ज्वाइन कहाँ करी तूने? बात करी कहीं पे? भाई पालिका बता, देख के कैसा लग रहा है, कितने का होगा? अभी कितने ही गया। अरे बस कर भाई। 5-6 कितना खुश है? सही बताया ना? 800 की। 800 की है। पहले से कितना रेट बोला? पहले तो भाई बहुत बोल रहा था। 850 पे बता रहा था ना? पहले 850 से गया था। हम सवित के पापा के साथ, हम सवित के, सवित अभी वैसे घर ही जाने वाला है लेकिन अभी कॉल करके पूछेगा कि पापा 31st की पार्टी है So, मैं आज रात में घर नहीं आ पाऊंगा, बाहर रहेगा। हाँ तो देखते हैं कैसे रिएक्शन होगा, क्या बोलेंगे। कुछ भी नहीं करूंगा भाई मैं। भाई अबे कर ले यार। I am so sorry guys। भाई एक कर ले। भाई नहीं कर पाऊंगा यार, समझे। और लोग जाते होंगे बाहर पार्टी वगैरह करने, लेकिन हम बाहर पार्टी वगैरह ना करें तो हम घर में ही पार्टी करते हैं। सो पापा हमारे ले आए ये रसमलाई। रसमलाई दिखाओ पहले। सो बहुत सारे सामान लेके आए पापा ने, पापा घर में ही ले आए। पापा ने बोला कि 31st ऐसे इंजॉय करना चाहिए, इसलिए ढोकला। सो गई ये ढोकला, ढक्कन नहीं फूटा हुआ है। ये रसमलाई, रसमलाई गाइस। और इसमें है सो गई, इसमें है स्पॉन्जी वाले रसगुल्ले। अबे ऐसे हाथ चम्मच से निकालियो भाई, रुक जाओ। और इसमें है राजभोग। सो गाइस देख सकते हो कितना सारा आइटम है आज हमारे पास न्यू ईयर एंजॉय करने का। सो गाइस अभी मैं मम्मी की हेल्प कर रहा हूँ सब्जी बनाने में। सो मम्मी मुझे प्याज काट के दी, मम्मी ने प्याज काट के भी दिया और मैं ही बना रहा हूँ सब्जी। तो आज सब्जी हम भी बना रहे हैं, तो बनाते हैं मटर पनीर की सब्जी बना रहा हूँ। आज दिन है साल का, इसलिए मम्मी की हेल्प करवा रहे। तो आज मैं बाजार थक गई हैं काम करते करते, कैसा लग रहा है मम्मी? बेटा कर रहा था, अच्छा ही लगेगा ना। मम्मी गाइस शर्मा जाती हैं, वैसे मम्मी की बहुत पंच आवाज है लेकिन अभी मम्मी धीरे बोल रही है। हमारे न्यू ईयर सेलिब्रेशन ऐसा हो रहा है, यहाँ पे सारे जने बैठे हैं, सुमित अमित भी आ रखे हैं साथ के बैठे, और यहाँ पे मस्त आग जम गई। आलू भी हो रहा है हमारा न्यू ईयर सेलिब्रेशन, आलू भी। सो गाइस आप लोग भी घर में रहो और घर में एंजॉय करो और सेफ रहो, और सेफ रहो क्योंकि कोरोना काफ़ी ज़्यादा पीक पॉइंट पे है। मैं ये नहीं चाहता कि पिछले साल वाली नौ बजे दोबारा आए, तो इसके चक्कर में अभी से ही सतर्क हो जाओ और एक्टिव रहो। और पापा को देखो, पापा को कोई मतलब नहीं है न्यू ईयर हो दिवाली हो, पापा को बस टीवी होना चाहिए और बस पापा को बेड मिलना चाहिए लेटने के लिए बस, और मोबाइल भी मिलना चाहिए। सब सेम डे है। मैं लग गया तो ऐसे पकड़ रखा है। सही बात है। हैं? नहीं ना। ज़्यादा गोड़ा हूँ। वैसे? ये क्या भाई?
किसका? मेरा, ये टूट गया। टूट गया कैसे? नहीं टूटता है। कैसे टूट, किसने तोड़ा? है ना कोई ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे लोग अमित ने तोड़ दिया क्या? बताओ, जिस उम्र में इनकी पेंसिल की नोक टूटती थी उस उम्र में इनके दिल टूट रहे हैं। क्या टूट गया इसका? मेरा दिल टूट गया। नया लगवा लिया भाई? ऐसे क्या ऐसे किया उसमें? 3 2 1 क्यों हिला रहे हैं? अमित कैच कैच, अमित कैच, चल चल हार गया चल। इसलिए कहता शरीर से नहीं होता, बल से होता। सो गाइस, अभी खाना पीना डन हो चुका है और अब हम जा रहे हैं ऊपर, एडिटिंग पे लगेंगे। और देख लिया आप लोगों ने, 31st ऐसे चला गया, हम बाहर एंजॉय नहीं किया, बस घर पे एंजॉय किया। और अभी 11:55 हो रहा है, सिर्फ 5 मिनट बाकी है नए साल आने में, 2023 आने में। सो अभी जब आप वीडियो देख रहे होगे तब तो 2023 स्टार्ट हो चुका होगा, हमारे लिए अभी स्टार्ट हुआ है। सो हैप्पी न्यू ईयर सभी को, और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी, ऐसे मेरे ब्लॉग चैनल पर बने रहिए। और इस साल भी मैं पूरी मेहनत करूंगा यूट्यूब पे। सो देखते रहिए मेरे ब्लॉग, और मिलते हैं कल आपसे एक और बेहतरीन ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, बाय। 4 3 2 1 हैप्पी न्यू ईयर। सो गाइस, इसी के साथ स्टार्टिंग हो चुकी है 2023 की। सो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे मैं ऐसे क्यों नाच रहा हूँ, क्योंकि उस वहां पे नाचूंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा, तो यहीं पे नाचते हैं बिना गाने के। हो जाएगी प्यार।